बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ए आई सी ई टी ने जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इनेबल कर दिया है। यहाँ पे आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड, ऑप्शन जो है आ रहा है यहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन इनेबल किया है ए आई सी टी ने जो चॉइस फिलिंग का पी एम ट्रिपल एस 2020 का, वो यहाँ पे जो है इनेबल किया है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आपको इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए ज्यूरिंग चॉइस फिलिंग। यहाँ पर एक जो है रिव्यू मैं देना चाहता हूँ उनका, रिनंबर मैं आपको करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा, पहले आप देखिए कि वो किस स्टेट में पढ़ता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप ऐसे स्टेट्स को चूज़ ना कीजिए जहाँ पे जो है हरासमेंट होता है जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट से। तो इसके लिए मैंने एक प्रेफरेंस आपको दी थी कि जो साउथ साइड में जितने भी कॉलेज आ रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी कॉलेज आ रहे हैं सभी सेफ हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जो है एडमिशन लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ यह है कि आप जो है मैक्सिमम नंबर आप जो है कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से दफ़ा ऐसा क्या होता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है लेकिन आपका नंबर आ जाता है लेकिन आपने जो है मिनिमम कॉलेज सिलेक्ट किया होते हैं, जो कि बाद में जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम 4 या 5 सिटी जो है वो 4 या 5 स्टूडेंट्स को भेजते हैं। लेकिन अगर आपने वही 4 कॉलेज जो है सिलेक्ट किए हैं जिनमें ऑलरेडी 4 स्टूडेंट जो है आई सी टी ने भेज दिए होंगे, तो आपको क्या है उसमें आपका जो है बहुत बड़ा लॉस होगा कि आपको फिर वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो है कॉलेज जो है ए आई सी टी ने एंटर रखे हैं, तो आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। और एक चीज़ की आप वो कॉलेज जो है उन कॉलेज पे भी फोकस कीजिए जिनकी जो है प्लेसमेंट जिनकी है प्लेसमेंट जो है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी जो हो। तो ये भी कुछ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ की आप जो है वो कॉलेज भी सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें जो है ऑलरेडी कश्मीर के जेके की जो स्टूडेंट हो। ऐसा कॉलेज आप सिलेक्ट मत कीजिएगा जिसमें जो है कोई भी आप जेके के स्टूडेंट ना हो, तो आप फिर अकेले फंस जाएंगे। तो क्योंकि ये सपोर्ट की ज़रूरत रहती है एक जो है जिसको हम कहते हैं कंपनी की, ठीक है ना। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप वहाँ पे जो है सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी जेके के स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ज्वाइनिंग चॉइस फिलिंग का आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी कहा है, अब जो है आधार कार्ड जो है वो अपने बैंक से जो है बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पोस्ट पेड, मैंने आपको बोला था पोस्ट पेड नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये पोस्ट पेड नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि जेके के बाहर आपका जो प्रीपेड नंबर है वो वर्किंग में नहीं होगा, इसलिए आपको जो है पोस्ट पेड सिम की बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करनी है, स्टेट वाइज किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। पूरी मैं उसकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको जैसे पता है इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो मैं आपको जो है कल तक वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, इसलिए आप जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ज्वाइन हो सकते हैं, अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं।